अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का व्लॉग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज कुछ दुख भी हो रहा है और खुशी भी है, क्योंकि हम मेरे सेटअप से ना दो तीन चीज़ें जो है ना वो जा चुकी हैं और दो तीन चीज़ें जो है ना वो आ चुकी हैं। गई कौन सी है पहले मैं आपको ये बताता हूँ। हमारा शाका और नसरीन जो बेगम थे हमारे असील, वो मैंने सेल किए हैं, ठीक है। वो मैंने सेल इस वजह से किए थे क्योंकि मेरे पास ना इनका जो दाना वगैरह है ना वो सारा ख़त्म हो गया था। तो मैंने मम्मी से पैसे मांगे लेकिन उनके पास भी नहीं थे और मेरे पास भी ख़त्म हो गए थे, जिसकी वजह से मजबूरी का करके ना मुझे वो दोनों सेल करने पड़े, ठीक है। और वो मैंने जोड़ा कितने का सेल किया है फ्रेंड्स, वो मैंने जोड़ा किया है 15,000 का सेल, ठीक है। और उसके अलावा फ्रेंड्स, हमारा जो रामलाल है वो ब्रीडिंग वाला मुर्गा था हमारा, तो वो मेरे एक दोस्त ने मांगा मुझसे ब्रीड के लिए, तो ना मुझसे फिर मना नहीं हुआ, मैंने ना उसको वो मुर्गा दे दिया। और अब मेरे पास आएगा जी एक जावे कलर का मुर्गा, जो कह लें कि उसका कज़न ही है रामलाल का। तो अब जैसे वो आएगा, या तो वो आज शाम को आ जाएगा मेरे पास, या वो आ जाएगा कल शाम को मेरे पास, ठीक है। और उसके अलावा फ्रेंड्स, अब जो मेरे सेटअप पर जो चीज़ें आई हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ जी। चलो जी, सबसे पहले ना हम अपने ये पिजन्स हैं इनको खोल लेते हैं जी। बाकी सब जो हैं वो छत पे ये वाले घूम रहे हैं। ये देखिए काफ़ी कम परिंदे लग रहे हैं अब तो। ये जी मैं इनको खोल लूँ पहले पिजन्स अपने को। तो ये देखिए जी, ये देखिए लड़ लड़ के एक दूसरे के साथ ना सारे गंजे हो गए हैं। ये भी गंजा हो गया है, ये भी गंजी हो गई है, और ये भी थोड़ा सा गंजा हो गया। ये देखिए, ये जी हमारा लक्का शहजादा निकला बाहर। और चलते हैं जी इनकी तरफ। इन सब के पास भाई का मुझे कॉल आया था सुबह, वो पूछ रहा था इनका दाना किधर पड़ा, दूसरी साइड पे इनका दाना पड़ा हुआ था। तो उन्होंने उसने ना मुझसे कॉल पे पूछा, मैंने उसको बताया, फिर उसने ना इन सबको दाना भी डाल दिया और पानी भी डाल दिया। और ये देखे जी, मेरा केज खोलने की देर थी और ये कैसे अंदर घुसे, चले बाहर। ओए ये क्या कर गए यार, पानी गिरा दिया यार इन्होंने। तो चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं जी हमारे न्यू पिजन्स और एक असील मुर्गी है जी, हमने न्यू ली। इधर देख ले पहले, अंडा तो नहीं पड़ा? नहीं पड़ा जी, देसी मुर्गी अभी अंडा नहीं देनी है। तो ये देखे जी फ्रेंड्स, माशाल्लाह सबसे पहले ये जी फुल ब्लैक कलर में, वाइट आँख में, और बिल्कुल खुश्क नली ब्लैक कलर की ये मुर्गी लेके आया हूँ जी मैं। ये मुर्गी मैंने ली है जी 6,000 की। तो ज़रा मैं आपको करीब से चेक करवाता हूँ, चेक कीजिएगा। माशाल्लाह 6,000 की ये मैंने मुर्गी ली है जी। माशाल्लाह इसकी आँख मैं आपको दिखाऊंगा पकड़ के। तो आँख इसकी जो है ना उसका शो करवाऊंगा मैं आपको। ये जी मैंने पकड़ ली, ये चेक करें जी आप, आँख चेक करें जी, बिल्कुल अकाब जैसी इसकी आँख है जी, वाइट आँख, ब्लू कलर का रिंग और लाल डोरियाँ, और नूर जो है बिल्कुल बारीक सा, और फेस जो है वो बिल्कुल लंबा है जी इसका, ये देखे जी। तो अभी मैं इसको छोड़ देता हूँ बाहर और देखते हैं जी कि यार ये एहतियात ही है कि लड़े ना आपस में। ये जी मैंने छोड़ दिया जी। तो अब चलते हैं जी फ्रेंड्स, हमारा जो दूसरा एक न्यू जो आए हैं उनकी तरफ, लेकिन उनको मैं खोलूँगा नहीं अभी, अभी मैं खोलूँगा बाद में, पहले मैं इन सबको डालूँगा दाना। तो ये देखे जी माशाल्लाह, ये देखिए जी हमारे दोनों जो पट्ठे हैं जी, इनका बॉडी स्ट्रक्चर चेक करें मुर्गी को देखकर कैसा हुआ है, फुल लड़ने के मूड में है जी ये तो। लेकिन मुर्गी इनके साथ नहीं लड़ेगी, उसको पता है कि जी ये देखती हैं जी होता क्या। ये देखिए तीनों आ गए हैं जी साइड पे। ये देखिए जी माशाल्लाह ओ जी भाग गई मुर्गी, इनको इनसे डर के मुर्गी भाग गई। तो चलती है जी फ्रेंड, अब हमारे बेबी पिजन्स में ले, ओ बेबी पिजन्स कह रही है, मैं बेबी असील लेके आया हूँ। ये मैं अपने दोस्त के सेटअप से लेके आया हूँ, ये मैंने उससे परचेज़ किए हैं, जो जिसको मैंने अपना रामलाल भेजा है ना, तो ये मैंने उससे परचेज़ किए हुए हैं। तो चले जी अब आपको ये भी दिखाता हूँ और इनका भी शो करवाता हूँ। चले जी, क्या हो गया तुझे, कहाँ 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 कर रही है, तेरा मियाँ चला गया है ना। चलो भाई ये देखे जी फ्रेंड, मैंने बताया था मैंने खोलना नहीं, लेकिन मैं खोलने वाला था इनको। ये देखे फ्रेंड्स, ये माशाल्लाह पांच है जी, इनमें से एक जो है वो मुझे मेल लग रहा है,
और जो चार है वो फीमेल लग रही हैं, लेकिन यार कंफर्म भी नहीं हो रहा। ठीक है, तो मेरी तरफ से ये चारों पांचों जोन सी है ना फीमेल ही हैं। तो ये देखे जी माशाल्लाह इस टाइम फुल भूखे हैं और इनकी जो आँख का नूर है बिल्कुल बारीक है। 3 महीने के ये चूज़े हैं और लाल कलर की डोरी है और आँख साफ़ करनी इन्होंने शुरू कर दी है। पेपर वाइट असील जो है ना उनकी ब्रीड में से ये कलर बने हैं, पेपर वाइट ब्रीड के अंदर से। ठीक है, ये कलर में बने हैं पेपर वाइट के। हमारी जो पोगो है उसके अंदर ही है। इनको मैं इस वजह से नहीं खोलना चाहता, इन सब ने इनको मारना शुरू कर देना है, लेकिन अब देखते हैं जी क्या होता है। चले खोलते हैं जी इनको। ये देखें जी इनको खोलते ही ये देखें जी कैसे घूमने लग गए माशाल्लाह, तो उस केज के अंदर चले गए हैं जी। अच्छा फ्रेंड्स, इनमें से एक चूज़ा है जिसका ना जो पल्ला है ना लेफ़्ट वाला वो टूट गया हुआ था, मेरा दोस्त बता रहा था। तो टूट गया है और बड़े गलत तरीके से ना जुड़ भी गया है। तो किसी दिन पकड़ कर मैं आपको इसका पल्ला भी दिखाऊंगा। ये देखे जी उड़ के ऊपर ऊपर आ गया, लेकिन इसका ना ये पल्ला टूटा हुआ है, ये वाला जुड़ गया है लेकिन गलत जुड़ा। अब देखे ये ऊपर भी आ गए हैं जी। तो रात को ठंड फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा थी। अब मौसम की बात करते हैं तो कल था फ्राइडे, कल से ना कल भी नहीं धूप निकली है। ठीक है, और धूप तो आज निकली है लेकिन बिल्कुल हल्की सी नामुनासिब। ठीक है, लेकिन जो ठंड है ना वो बहुत ज़्यादा है जी। आज तो मैं ग्लव्स डालकर और ये मोटी जैकेट पहनकर काम पर गया था। तो अब चलते हैं जी हम अपनी पोगो की तरफ। तो जी सबसे पहले मैं ये जो बोरा है ना इसको ऐसे उठाकर इधर कर दूंगा और इसको मैं कर दूंगा ऐसे। वो इधर आ जाओ, उसने मार मार के बांदर बना देना तुम पांचों को। वो देखे जी बैठी हुई है माशाल्लाह। तो चलते हैं जी फ्रेंड्स, अब इनको डालते हैं जी हम इनकी डाइट। और सबसे पहले ना फ्रेंड्स इनके लिए मैं लेके आया हूँ ये राइस, जो कि मैं लास्ट में डालूंगा, पहले नहीं डालूंगा क्योंकि फिर ये दाना नहीं खाते। और ये है जी इनका बाजरा, आ गया जी आ गया। पहले मैं थोड़ा सा इधर गिरा दूंगा, ये देखे जी अब मैं थोड़ा सा गिराऊंगा इधर। छत फ्रेंड्स मैंने साफ़ की थी, थोड़ा सा गंद इधर पड़ा है और बाकी ये इधर पड़ा है जो इन्होंने ख़राब कर दिया हुआ सारा। वो ये देखे जी उनको मार रहे हैं। तो मैं ना बाजरा इसके अंदर डालता हूँ जी सारा, और एक छोटी सी मैं लाइन ऐसे लगा देता हूँ इधर। ये देखे जी एक लाइन मैंने ये लगा दी है और कुछ बाजरा जो है ना वो मैंने उधर गिरा दिया ताकि ये खाएं। अब मैं ना इन सबको भगा देता हूँ उधर बड़ों को, ताकि ये सुकून से जो चूज़े हैं ना ये खा लें और बाकी जो है वो उधर से खा लेंगे। चल भाई पप्पू तू भी उधर चल, देसी मुर्गा बस इनको मारे ना, खाता रहे कोई बात नहीं। पप्पू तू चल उधर, तेरा नहीं मुझे भरोसा, तू चल उधर। चलो जी ये देखिए फ्रेंड माशाल्लाह खुशबाश सारे फिट फाट है और क्या कहते हैं किसी को किसी किस्म की कोई बीमारी भी नहीं है। और ये जो है ना हमारे पट्ठे माशाल्लाह आप जवान हो गए और अपनी जवानी भी दिखाते हैं जी। चलो भाई उधर उधर जाके खाओ जो भी खाना है। और हमारा वो फ्रेंड्स वो जो रेड कलर का पिजन्स है ना उसके वाइट कलर के पर आ रहे हैं सारे, अब उसने ना अपने पर पूरे कर लेने हैं, फिर देखते हैं जी ये हमारे पास उड़ता है या भागता है। और फ्रेंड मैं इसको लेके गया था चेन करवाने के लिए, लेकिन यार ये चेन नहीं हुआ। पहले ये मैंने खुद 1300 रुपये का लिया था, अब सेम इसी साइज़ का या कह लें कि इसी वेट के अंदर बड़ा यानी कि एज का मुर्गा जो है ना वो फ्रेंड मिल रहा है जी हमें 2800 का 2500 का, इस रेट में हमने मिल रहा है वो। तो जो कि जी काफ़ी महंगा पड़ गया, इसलिए मैं इसको ना चुप करके वापस ले आया। और चले देखते हैं जी अब पोगो आती है बाहर के नहीं आती। पोगो आ जा बाहर, अंडे पोगो के ना मेरा ख्याल है लास्ट वाले दिन चल रहे हैं, 10 दिन रह गए हैं मेरा ख्याल है इसके, जिसकी वजह से ना ये अब जल्दी उठती नहीं है, बैठी रहती है। तो जब ये उठेगी तो फिर इसको भी दाना पानी कर देंगे जी फ्रेंड्स। अभी तो मैं बैठा हूँ तो मेरा ख्याल है ये हिलेगी नहीं इधर से। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे हो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाइएगा डेली व्लॉगिंग के लिए। हसीम न्यूज़ व्लॉग मेरा यूट्यूब चैनल है जी। अस्सलाम वालेकुम।